Hey guys, welcome back to our YouTube channel Adventures Track. So guys, आज हम लोग एक और ट्रैकिंग पर निकले हैं जिसका नाम है चिड़िया टापू मुंडा पहाड़ी ट्रैकिंग, जो कि अंडमान के पोर्टे में है। तो हम लोग ये चिड़िया टापू सनसेट पॉइंट बीच पर आए हैं और यहीं पर हमारा एक ट्रैक है 2 किलोमीटर्स का, बढ़िया सा एडवेंचरिंग टाइप का। और ऊपर जाकर ट्रैक करके ऊपर जाने पर हमें एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी पहाड़ी दिखती है जिसका नाम है मुंडा पहाड़ी। तो गाइस देख रहे हैं कि ये चिड़िया टापू में ना स्कूबा डाइविंग भी शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे लोग पिकनिक भी करने आते हैं। पिकनिक स्पॉट है ये, बहुत सुंदर। तो गाइस यहाँ पर ये जो स्कूबा डाइविंग करते हुए लोग दिख रहे हैं, मे भी ये थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे होंगे ड्राइवर्स, क्योंकि ये स्कूबा डाइविंग का अगर आपको मजा लेना है तो हैव लॉग चाहिए। यहाँ पर ये लोग मे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो गाइस अब हम लोग चलते हैं अपने ट्रैकिंग पर, फोकस करते हैं। और ये हमारे हस्बैंड जी आगे चल रहे हैं मेरी बच्ची को लेकर। मेरी बच्ची भी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है ट्रैकिंग करते करते, देख देख कर। और यहाँ पर चेतावनी है, यहाँ पर मगरमच्छ भी होते हैं। जी हाँ, क्रोकोडाइल पॉइंट है ये, इसीलिए यहाँ पर स्कूबा नहीं करते हैं। ये तो जस्ट सेफ जगह को मतलब चूज करके ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो गाइस चलो चलो चलो, ये मेरी बच्ची जो कि कार में सोती हुई आई है, जगी है ना तो बहुत फ्रेश है, हंस रही है, वरना ये बैग में बहुत मुश्किल से बैठती है। तो सुबह के 11 बज रहे हैं और हम लोग निकल चले हैं ट्रैकिंग पर, और भी लोग हैं और यहाँ से शुरू होती है हमारी ट्रैकिंग। ये रहा मेरा व्यू पॉइंट। 3 बजे यहाँ पे ट्रैकिंग बंद हो जाती है और अब मैं बोलना बंद करती हूँ, आप लोग रास्ते पे ध्यान दीजिए, यहाँ का रास्ता देखिए। बारिश के टाइम तो यहाँ आने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैं लास्ट टाइम आई थी तो बारिश के टाइम आई थी, यहाँ एकदम कीचड़ हो रखा था, बहुत बच बच के चलना पड़ा था। लेकिन अभी क्या है, टूरिस्ट टाइम है, नो बारिश, तो अभी सब सूखा सूखा है। तो अभी आप रास्ते को एंजॉय कीजिए। ये सीढ़ियाँ नहीं है जनाब, ये ना जड़ें हैं पेड़ों की जो कि बिखरी हुई हैं। चलते रहो चलते रहो। मेरी बेटी कितनी खुश है, वो भी एडवेंचरस होती जा रही है हम लोग के साथ रहते रहते। तो गाइस हम लोगों को हमें और भी राहगीर मिलने वाले हैं आगे। गाइस ये जो ट्रैकिंग है ये हमारी 2 किलोमीटर्स की है। यहाँ पे आपको बीच बीच में सुंदर सुंदर से नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। और ये देखिए ये एरो देख रहा है, या जो आपको एरो दिख रहा है ना, ये आपको रास्ता बताएगा, वे बताएगा ताकि आप वे भटक ना जाएं। ये मेरे हस्बैंड जी सीधा जा रहे थे, इनको मैंने बताया कि एरो इधर जाने को बोल रहा है राइट साइड, तो आपको राइट साइड जाना है। तो ऐसे ही आपको वेज मिलते रहेंगे, जंगल जैसा है पर आपको बीच बीच में वेज बताता रहेगा एरो कि आपको किधर पे जा रहा है। सो तीन बजे दोपहर में ये ट्रैक बंद हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। और अगर आप चिड़िया टापू आए हैं तो इस ट्रैकिंग पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ऊपर सुंदर सा नज़ारा आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हमें रास्ते में और भी राहगीर मिल गए हैं, कुछ वापस आते हुए कुछ साथ में चलते हुए। आधी दूरी हम लोगों ने पार कर ली है, अब हमें दिखेगा एक सुंदर सा व्यू। सो ये आप देख सकते हैं बहुत ही हाइट पर है ये, और नीचे हमारा नीला समंदर।
गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि अंडमान क्रिस्टली वाटर के लिए, क्रिस्टली ओशन के लिए बहुत फेमस है। एकदम देखिए कितना साफ पानी है, एक एक कॉरल्स आपको साइड में दिख रहे हैं शोर में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पानी है यहाँ का। कभी ब्लू तो कभी ग्रीन वाटर आपको यहाँ देखने को मिलेगा और एकदम साफ, बहुत ही सुंदर व्यू। और गाइस अब हम लोग आधे रास्ते पार करके आ गए हैं लाइट हाउस के पास। ये रहा हमारा लाइट हाउस। सो लाइट हाउस के पास थोड़ा सा चलने के बाद हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। ये रहा हमारा सुंदर सा व्यू। यहाँ बैठने बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे लोग पिकनिक भी करने आते हैं। ये रहा हमारा मुंडा पहाड़ी। यहाँ से जाने का उस पहाड़ी पे रास्ता दिया हुआ है, ये जो जाल है इसके पीछे से आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ये रिस्क ले सकते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है उस पहाड़ी में जाना। हम तो नहीं गए थे क्योंकि आप तो जानते हैं हमारे पास छोटा सा बेबी है और हम अपनी स्टार्टिंग 2 ईयर्स पहले यहाँ पर आए थे, तब हम इस पहाड़ी पर गए थे क्योंकि तब हमारे पास बेबी नहीं था। तो आप अगर कंफर्टेबल हैं तो इस पहाड़ी पर ज़रूर जाइए, जा सकते हैं। गाइस अब आपको मैं व्यू दिखाती हूँ, एकदम शांत नीला पानी और उस पर से ये सुंदर सी अट्रैक्टिव पहाड़ी जो कि आपके आने का वेट कर रही है। और यहाँ पर पिकनिक स्पॉट भी है, आप बैठकर अपना टाइम, अच्छा खासा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही पीसफुल फील होगा यहाँ पे आके आपको, एक जो चलने के बाद ट्रैक करने के बाद जो थकान होती है वो यहाँ पे बैठ करके बहुत अच्छे से मिटती है। तो हम थोड़ा बहुत अपने बेबी के लिए बिस्किट, चिप्स एंड फ्रूट्स, जूस ये सब लाए थे, उसको थोड़ा रिलैक्स दे रहे हैं, वो खेल रही है। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत मज़े किए हैं हम लोगों ने, हम तीन जने। तो थोड़ा सा बेबी को भी दिखा देते हैं नज़ारे, उसको भी इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है ना। ये मैं आपको वे दिखा रही हूँ इस पहाड़ी पर जाने का। ये देखिए ये भी आपको दिख रहा होगा, इधर से घूम करके आपको जाना होगा। वेल जब आप यहाँ आएंगे तो खुद ब खुद रास्ते बना लेते हैं जिनको जाना होता है। और ये हमारा नीचे का नज़ारा, कम हाइट से इन नीचे समुंदर का पानी बहुत ही प्यारा लग रहा था। इधर क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा, अपनी बेटी को मैंने थोड़ा सा मिट्टी में छोड़ दिया है इसको खेलने के लिए, थोड़ा एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। और वो देखो कैसे पोछा मार रही है, बहुत ज़्यादा खुश है, कितना भी मना करो उसको बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब बारी है वापस लौटने की, लगभग 1 घंटा यहाँ बिताने के बाद, 1 से 2 घंटे हमने यहाँ बिताए और 2 घंटा यहाँ स्पेंड करने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं नीचे। तो आने का रास्ता तो आप लोगों ने देख लिया था, उसी रास्ते से हमें वापस भी जाना है। तो हम लोग सुंदर सुंदर व्यू पॉइंट नज़ारे देखते हुए वापस नीचे जा रहे हैं। सो गाइस स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल सुंदर सुंदर नज़ारे और ट्रैकिंग व्यूज देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।
भी बज चुके हैं और ये ट्रैकिंग पॉइंट जो है हमारा, इसको बंद होने का टाइम भी हो गया है। तो वापस घर चलते हैं। बाय।